वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। सो जैसे कि हमने बोला था कि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग करने के पहले मिशिका के स्कूल से उनका बाय तो करवाना था। सो बाकी सारी चीज़ें तो हमने आपको दिखाई दी थी। फिलहाल हम इनके स्कूल ही जा रहे हैं इनको छोड़ने के लिए, साथ में सारे गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं, केक लेके जा रहे हैं, वो सब हम दे के आएंगे। और इनकी मैम से रिक्वेस्ट की थी हमने कि एक छोटा सा क्लिप हमें बना के भेजना ताकि हम अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर सकें। सो वो भी भेजेंगी, तो वो भी आप लोगों के साथ इसी ब्लॉग में हम शेयर करेंगे। मिशिका किस स्कूल में पढ़ती थी और कैसे इनका ये मतलब गुड बाय वाला सेलिब्रेशन हुआ, सारी चीज़ें। और मेरी वॉइस से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टाइम पर मैं कितनी ज़्यादा कोल्ड से मतलब ग्रसित हो चुकी हूँ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, इसको भी कोल्ड हो गया है, मंस को भी कोल्ड हो गया है, क्योंकि भी मौसम ही ऐसा है ना, बहुत अजीब सा मौसम हो रहा है। सो चलो आज के ब्लॉग को हम आज से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आज हमारे बहुत सारे काम हैं। एंड आज सबसे बड़ी बात, हमारा पैकर्स आने वाले हैं और हमारी पैकिंग शुरू हो गई है और हम कल निकल जाएंगे वहाँ जहाँ के लिए हम ये सब कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के भी कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, अब आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। मुश्किल से इसके बाद का ब्लॉग आपको वही पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। और अभी हम आप लोगों को मिलेंगे इसको छोड़ने के बाद, फिर हम आप लोगों से और सारी बातें करेंगे। फिलहाल मैंने कहा चलो इसको छोड़ रही हूँ तो पहले बता दें। एंड ये हेयर बैंड लगाई है मिशिका की, दो दो चोटीज जो दिख रही हैं। नहीं पीछे, अच्छा 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 अच्छा, चलो मत दिखाना, ठीक है चलो बाय। सो गाइस, कुछ इस तरीके से मिशिका के स्कूल में उसका सेलिब्रेशन हुआ था। एंड उनकी मैम से मैंने बोला था कि मैम मुझे छोटे छोटे ऐसे वाले वीडियो दे दीजिएगा क्योंकि मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। सो बहुत अच्छे से मैम ने सेलिब्रेशन करवाया मिशिका का, एंड इतना अच्छे से विश किया उसको, इंजॉय करवाया, डांस करवाया। मतलब हमेशा ऐसी टाइप की एक्टिविटीज़ होती ही रहती है स्कूल में, लेकिन ये जो मिशिका का ये लास्ट डे स्कूल था ना, वो और भी ज़्यादा मैम ने मेमोरेबल बना दिया। और उसको मतलब कुछ मैम के तो ऐसे नाम याद है ना कि वो घर आके बोलती है मैम मेरी, ये मैम मेरी। एक जैसे मीटा मैम इनकी जो स्कूल की मेन मैम है, यानी सबसे बड़ी मैम है। एंड उसके बाद उनकी क्लास मैम की अगर मैं बात करूँ तो वो है गुंजन मैम एंड हीरू मैम। तो उन दोनों की जो तारीफ़ मैम जो करती है ना मिशिका, और जितना वो घुल मिल गई है इतने जल्दी से, मैं बता भी नहीं सकती, मतलब काबिले तारीफ़ है। और सारी स्टूडेंट भी बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा स्कूल रहा, एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। मुझे नहीं पता ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, बस ये ज़रूर बोलूँगी मिशिका ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। और सबसे उसके अंदर जो चेंज हम लोगों ने देखा है ना, वो हमें बताया कि वो कितनी बदल चुकी है पहले में और अब में। हालाँकि हर ही बच्चा स्कूल जाके ना थोड़ा सा चेंज होता है, बट मिशिका हर चीज़ में चेंज हुई है। सो थैंक यू सो मच ऑल मैम एंड स्टूडेंट और दीदीज, जो इतना अच्छा इसका ये जो गुड बाय वाला सेलिब्रेशन हुआ है ना, इसके लिए मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। और मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं इतनी सारी चीज़ें उनको नहीं बोल पाई, लेकिन हाँ ये था कि मैंने उनको थैंक यू तो बोला ही बोला था, तो इतना अच्छे से उसने इन्जॉय किया। थोड़ा सा आप लोग इन्जॉय कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अच्छा बात क्या करती हूँ मैं बता ही दूँ, ये स्कूल कुछ लोग पूछेंगे एड्रेस बता दीजिए, को गोपुर पे आप डालेंगे ना यूसी किंडीज इंटरनेशनल स्कूल गोपुर, तो आपको एड्रेस बिल्कुल साफ हो जाएगा। हम मिशिका के स्कूल से आ गए हैं और मिशिका के स्कूल में जो भी छोटा मोटा प्रोग्राम था वो हो गया था, आप लोगों ने वीडियो में देख दिया होगा, मैंने इसी में लगा दिया होगा, क्योंकि अभी तक मुझे ही नहीं आया उनकी मैम की तरफ से कोई मैसेज। बट वही है ना कि थोड़ा लेट भेजेंगे वो, क्योंकि जब स्कूल के बच्चों की छुट्टी होएगी ना उसके बाद ही भेजेंगे। एंड मिशिका को स्कूल इसलिए नहीं भेजा था मैंने, क्योंकि मिशिका ना मिशिका को कोल्ड है, मुझे भी कोल्ड है, तो फिर उसको स्कूल भेजती तो वो खांसती वाजती। और अभी स्कूल में ये रहता है कि अगर आपको ऐसा कुछ कोल्ड वगैरह है ना और आपको खांसी ज़्यादा आ रही है तो फिर आप बच्चे को मत भेजो उस दिन, ऐसा स्कूल की तरफ से ही रहता है। सो इस वजह से मैंने उसे नहीं भेजा था, मैंने कहा चलो तुम साथ में चलना आधा एक घंटे अपने स्कूल में रुकना, अपने फ्रेंड से मिलना, टीचर्स से मिलना, उसके बाद अपना केक वेक कट करके आ जाना, वो सारा कुछ हुआ। एंड मिशिका तो बोल रही थी मज़े किए, अब वो फोटोज़ में हम देख लेंगे कितने मज़े किए। नाउ बात करते हैं पैकिंग की। सो पैकर्स आ चुके हैं, बस पैकिंग होना स्टार्ट होने वाला है, अभी बता रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या पैकिंग करना है, तो वो सारा कुछ पैक होगा।
और देखते हैं कितना कुछ पैक हो रहा है। अभी तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी सबको पहले चाय पिला दो एक मिलान से, उसके बाद आराम से पैकिंग होगी, क्योंकि वही ना फिर किचन विचन सब सेट हो जाएगा, फिर नहीं कुछ कर पाएंगे तो इसी वजह से। और अच्छा भी लग रहा है इंदौर को छोड़ने के छोड़ने पर, और बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि किराए का घर किराए का ही होता है, और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हमारी यादें हैं, सो सारी चीज़ें इस वजह से बुरी लग रही हैं। बाकी ये देखो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ का जो करंट लोकेशन है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। सो अब तो मैं बता सकती हूँ कि मैं कहाँ रहती थी। सो मैं रहती थी मेन अन्नपूर्णा पर, और अन्नपूर्णा में आप किसी से भी पूछेंगे फ्रंट ऑफ दत्त मंदिर। सो जो इंदौर में रहते होंगे उनको मैं बता रही हूँ कि मैं यहाँ रहती थी, एंड लोकेशन बस इसीलिए शेयर नहीं करती थी, पूरे पूरे दिन बाबू नहीं रहते हैं, अकेली रहती हूँ, दैट्स वाई थोड़ा सा डर लगता है, और डर लगना लाजमी भी है इसीलिए। एंड अब सब बता रही हूँ मैं, मिशिका का स्कूल यूसी किंडीज था, और वो भी हमने नहीं बताया था, स्कूल बहुत बढ़िया है, उसको छुड़वाने में भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हाँ कुछ सोच समझ के ही हम उसका स्कूल छुड़वा रहे हैं, यहाँ से जाके हम वहाँ पे ही उसका एडमिशन कराने वाले हैं, हमारी बात सब कुछ हो गई है, तो वो टेंशन हमें है नहीं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो लेकिन स्कूल बहुत बढ़िया था, अगर कोई भी स्टूडेंट अपने मतलब कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को एक अच्छा स्कूल ढूंढ रहे हो तो आप यूसी किंडीज में भेज सकते हो, बेझिझक बेधड़क, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, और साथ में एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं, सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल आपको सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। मुझे मतलब मिशिका का जो वहाँ का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा लगा, और इसी वजह से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। कोई प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन करने वाली बात नहीं है, अगर प्रमोशन होता तो बहुत पहले होता, बता इसलिए दिया क्योंकि मैं तो इंदौर छोड़ रही हूँ बट आप लोग नहीं छोड़ रहे हो, आप इसी इंदौर में हो, तो इसीलिए मैंने बता दिया इन डिटेल कि मिशिका यूसी किंडीज स्कूल में थी। और चलो पैकर्स आ जाए, वो मतलब पैकिंग होना स्टार्ट हो जाए, फिर मैं आप लोगों को सिखा क्या पैकिंग होने लग जाए तो फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कैसे पैकिंग करें। ठीक, सो गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इन्होंने कार्टून बनाए थे, मतलब एक बंदा कार्टून बनाते जा रहा था, दूसरा पैकिंग करते जा रहा था, इसी तरीके से सारी पैकिंग हुई थी एंड हो रही थी। और मैं सच बताऊँ ना, देखने में तो लगता है जब घर में सब सामान जमा जमा रखा रहता है कि इतना भी सामान नहीं है, लेकिन जब पैक हो रहा था ना तब समझ में आ रहा था, एक ही कमरे में ना इतने इतने कार्टून भर भर जा रहे थे, तब समझ में आ रहा था कि यार कितना सारा सामान हो गया है। और यस आयसर ही मंगवाया था हम लोगों ने ट्रक में, उसी में जा सकता था, उससे छोटी गाड़ी में तो पॉसिबल ही नहीं था, मतलब बड़ी लग जाती पर छोटी ना लगती, ऐसी कहानी हो गई। पैकिंग होने लग गई है और मैं आ गई मेरी चाय लेके अपनी बालकनी में, मैंने सोचा एक बार अपनी बालकनी को अच्छे से निहार लूँ, देख लूँ, संवार लूँ, बिकॉज सीरियसली मेरी इस बालकनी से बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी, और इस बालकनी में मैंने अपना बहुत सारा समय बिताया है, ख़ास तौर से वो समय मतलब वीक टाइम मेरा सारा इधर ही गया। अभी मैं इतना खुल के बोल लेती हूँ, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड थी, थोड़ा सा नहीं थी ज़्यादा ही थी, तो मेरा पूरा टाइम मेरी बालकनी में जाता था, चार चार घंटे मैं बालकनी में बैठी रहती थी पागलों की तरह, और इस बालकनी में बहुत साथ दिया, वो प्लांट्स थे उन्होंने बहुत साथ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता था बालकनी में बैठना और लोगों को देखना, लोगों से सीखना कि देखो जो साइकिल चला रहा है ना वो भी बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है, वो अपने किसके लिए मेहनत कर रहा, अपनी फैमिली के लिए, जो बाइक चला रहा है वो भी मेहनत कर रहा है किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो कार चला रहा है वो भी भाग रहा है किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो ओवरऑल दुनिया में जो भी लोग हैं सब कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो वो जो थी ना कि कार वाले को ये तो सहूलियत है कि उसको साइकिल नहीं चलानी पड़ रही है, बाइक वाले को ये तो सहूलियत है कि उसको साइकिल नहीं चलानी पड़ रही है, साइकिल वाले को ये सहूलियत है कि उसे पैदल नहीं जाना पड़ रहा है। सो ना तो कोई काम छोटा बड़ा होता है, मैंने ऐसे लेडीज़ भी देखी बेचारी जो काम करने जाती हैं दूसरों के घर, और जब वो काम करने जाती हैं ना तो वो पैदल 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 करती हैं, तो उनसे बेहतर साइकिल वाले हैं, साइकिल वालों से बेहतर बाइक वाले हैं, बाइक वालों से बेहतर कार वाले हैं, कार वालों से बेहतर और बड़ी कार वाले हैं। सो मेरा इस चीज़ को डिटेल में बताना मीन्स कि
आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो, वो आपकी खुद के कर्म, आपकी मेहनत बनाती है। सो इस तरीके से मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया कि चलो यार, मैंने कभी अपने से बड़े को कभी नहीं देखा, मैंने अपने से छोटे को देखा कि वो कितनी मेहनत कर रहा है यार। ये जो मुझे सुकून मिल रहा है, ये जो मैं चैन से अपने घर में बैठी हूँ, कभी मैं उनसे उनको देख लूँ, अगर यही जगह मैं उनको देखूँ जिनके पास ठीक से कमरे नहीं है रहने के लिए, जिनके घर में पानी आता है, तो क्या ही ज़िंदगी हो। तो मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया इस बालकनी में बैठ कर, सब कुछ सीखा भी इसी बालकनी में, मतलब मेरा काफ़ी टाइम गया है और बहुत अच्छा टाइम गया। कभी कभी ये बहुत किचकिच भी लगने लग जाता है कि चै चै पो पो पे पे, आपको शांति चाहिए लेकिन आपको नहीं मिलती है, बट सम टाइम आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो वो वही वाली बात हो जाती है, फैमिली में कोई मेंबर है, एक टाइम आपको वो इरिटेट कर देता है और एक टाइम आपको लगता है वही आपकी ज़िंदगी है। मतलब मैं आपको इन डिटेल तो सारी चीज़ें नहीं समझा सकती कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, बस ये समझ लो कि लाइफ है और लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच के इंसान को जीना चाहिए। मैं खुद जीती हूँ ऐसे, सो आपको भी मैं वही सलाह दूँगी। बस ये है कि ना रुको, ना किसी को रोको। तो गाइस, आपने देख लिया पूरा घर खाली हो गया है, तो बेड के नीचे थोड़ी सी बेड के नीचे नहीं सामान जम जाता है, तो वो हो गया है। लेकिन अभी आंटी साफ कर देंगी, क्योंकि हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, वो कर रहे हैं भाई, यही लोग कर रहे हैं, तो जो लास्ट की सफाई होगी वो कर देंगे, ऐसे उन्होंने बोला कि ये लोग कर लें, फिर उसके बाद हम सफाई कर लेंगे। और सामान नीचे जाके रखने लगा है, मतलब मैं आपको दिखा दूँगी, सामान जो है हमारा बेसमेंट में रखा है, वो ट्रक है ना ये वाला, इससे सामान जाएगा। फाइनली हम जा रहे हैं, इतना भी दुख नहीं हो रहा है, दुख हो रहा है पर सच बताऊं तो अंदर से खुशी भी हो रही है, अपने घर जा रहे हैं भाई, अपने घर, तो वो खुशी तो दिखनी चाहिए ना चेहरे पे, है ना। दुख है, दुख अगर इतना सा है, खुशी इतनी ज़्यादा है, दैट्स व्हाई दुख कम लग रहा है। दुख इसलिए है, यादें हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, कुछ चीज़ें खरीदी हैं वो पैक हो रही हैं, तो याद आ रहे हैं ये कब लिया था, कैसे लिया था, सारी सिचुएशन याद आ रही है, पर उससे ज़्यादा खुशी हो रही है ना अपने घर जाने की खुशी, बस वो खुशी हो रही है कि फाइनली ये रेंट वेंट दुनिया जमाने का, रेंट का घर रेंट का ही होता है, आप उसे चाहे जितना घर जैसा बना ले रहेगा वो रेंट का ही। सो एक दिन आपको वो फील होगा कि ये रेंट का है, अपना करना है, होता है कि नहीं होता बताओ। और सो गाइज, यहाँ पे सारा सामान अब लोड होने लगा है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, आपको पहले ही बताया है हमने कि इस मल्टी में ना जो लिफ्ट नहीं थी, तो इन लोगों ने सारा सामान पहले नीचे उतारा, उसके बाद लोड किया था, क्योंकि हम जस्ट मेन रोड पे रहते हैं, तो बार बार ऐसे ट्रक लगा के सुबह से रखना तो बिल्कुल भी सही नहीं था ना, इसलिए इन्होंने बोला था कि आप एक काम करो, पहले नीचे उतार लो, उसके बाद ट्रक ऐसे गेट पे लगाना, ताकि किसी को गाड़ी वगैरह निकालनी पड़े तो आराम से वो निकाल लें। तो इस तरीके से कुछ सामान पैक हो ही गया था पूरा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 2-3 घंटे के अंदर सारा सामान पैक हो गया था। हालांकि सामान बहुत सारा था, बट ये लोग बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना एक साथ, तो जल्दी जल्दी पैक हो जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पे हम इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं, हम मिलेंगे आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।